अरे हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जा। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि आईपीएल की सबसे बेस्ट राइवलरी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? मुंबई वर्सेस आरसीबी? नहीं, मैं बोल रहा हूँ सबसे अच्छी राइवलरी है राजस्थान रॉयल वर्सेस पंजाब किंग्स। इन दोनों के बीच खेले गए पिछले 3 मैचों में 77 सिक्स लग चुके हैं। और भाई, अगर आपको दिल की बीमारी है तो मैं बता दे रहा हूँ, आप पंजाब किंग्स से मैच देखना बंद कर दो। और भाई, ये दीपक हुड्डा ने क्या बैटिंग की है कल? मुझे लग रहा था आरआर के बॉलरों में सब में उन्हें कुणाल पांड्या की शक्ल दिखाई दे रही थी। मुझे तो लगता है ये इसी एक्शन का रिएक्शन था। दीपक हुड्डा के 64 रन और राहुल के 91 रन के बदौलत पंजाब किंग्स ने 20 ओवरों में 221 रन बनाए। पर भाई, मैच अभी कहां खत्म होने वाला था, मैच के छक्के तो अभी और लगने थे। राजस्थान की तरफ से ओपन कर नए बेन स्टोक ने तो ओजोन का फॉर्मूला बताया। दूसरी तरफ संजू सैमसन ने अपनी बैटिंग से पंजाब के हर बॉलर को रुलाया। राजस्थान के बॉलर चेतन सकारिया ने जितनी अच्छी बॉलिंग करी, वहीं दूसरी इनिंग में पंजाब के गोगी ने भी उतनी अच्छी बॉलिंग, अपने अर्शदीप। राजस्थान को लास्ट बॉल पर 5 रन चाहिए थे। संजू सैमसन ने 6 मारने का ट्राई किया पर वो आउट हो गए और पंजाब की 4 रन से शानदार जीत हुई। संजू सैमसन के शानदार 119 रन की पारी भी राजस्थान को मैच नहीं जिता पाई। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, और आगे अगर ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।